5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मैं आज इस सदन में यह विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वह कितना ही गरीब हो या उसका जीवन स्तर कितना ही नीचे हो, उसकी देशभक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे सब इस देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम रेलवे कर्मचारियों के साथ बैठक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें, तो अवश्य ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वे इस संबंध में अच्छे सुझाव दे सकते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का अविश्वास करना या उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह प्रयोग किया जाए, तो अवश्य ही इसमें हमें सफलता मिलेगी। रेलवे के अंदर कई लाख कर्मचारी काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में रेलवे का सबसे बड़ा विभाग है और सबसे बड़ा कारोबार भी है। यदि ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लग जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि यह समस्या हल ना हो। यदि आप इन लोगों का सहयोग लेना चाहें, तो लाखों की संख्या में आपको स्वयंसेवक भी मिल सकते हैं। आपको इस कार्य को करने के लिए अलग से संस्था बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में एक सम्मेलन बुलाकर के विचार किया जाना चाहिए और उसको करने के पश्चात कोई कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे रेलवे मंत्री महोदय भी रेलवे कर्मचारियों का सहयोग लें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा का ध्यान हमारी सरकार को करना चाहिए। शायद यह शासन का नैतिक दायित्व भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री महोदय ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कुछ राहतों और सुविधाओं की घोषणा
भी की है। इन घोषणाओं से रेलवे कर्मचारियों को भी